मतलब किसी भी नंबर में अगर उसका रेसिप्रोकल डीवाई बाई डी एक्स का रेसिप्रोकल ही तो है डी एक्स बाई डी वाई, अगर किसी भी नंबर में उसके रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो तो वन आ जाता है, वो तो हमको पता है, लेकिन डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करके करते हैं इसको। तो जरा देखिएगा कि जो मुझे इक्वेशन दे रखी है इसको मैं बोलूँगा इक्वेशन नंबर वन, जितने हमने एग्जांपल करे वो सफिशिएंट है, उसके अलावा आपको सिर्फ एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करनी है टेंजेंट एंड नॉर्मल वाली, ठीक है, और कुछ मत, हाँ जो एनसीईआरटी में दे रखी है वो वाली करनी है। अच्छा उसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस होंगे, मैं वो कटवा दूंगा, बता दूंगा, मैं आज भेजता हूँ आपको उसमें क्या करना है। तो ये तीन टॉपिक हो गए, मेरे से जो सीबीएसई है उसने जो अप्लाई मैथ्स की प्रॉपर्ली एक बुक भी पीडीएफ के फॉर्म में भेजी है, जो उससे अप्लाई मैथ्स एनसीईआरटी है। अच्छा वेबसाइट पर अवेलेबल है क्या, आ गई क्या? यस सर, सब ये अवेलेबल है। अच्छा मेरे को भी भेज दो, शेयर कर दो, ग्रुप पर डाल दो। ठीक है चलो कोई बात नहीं, एक बार आप भेजना तो सही। उस पर कोड कौन सा लिखा हुआ है, 241 है या 841 है? कोई बात नहीं आप मेरे को भेज दो, आप एक बार भेजना मेरे को, आप एक बार भेजना, क्योंकि जो कोड है ना वो कोड 241 है इसका, अप्लाइड मैथ्स का, और इससे मतलब आज से 6-7 साल पहले भी अप्लाइड मैथ्स दूसरे नाम से आया करता था, बिजनेस मैथमेटिक्स के नाम से आता था, तो कहीं वो वाला तो नहीं भेज दिया उन्होंने, या वो वाला तो आपने डाउनलोड नहीं कर लिया। आप जो भी है मेरे को एक बार भेजना, मैं देख कर बताता हूँ, ठीक है। और उसके अलावा एप्लीकेशन और डेरिवेटिव उसमें कुछ और नहीं है, जो हम उसमें कर रहे हैं वही कर रहे हैं, ठीक है। चलिए मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पर आप देखिएगा कि ये मेरे को इक्वेशन दे रखी है, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर वन, और इसको आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, लिखिएगा डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो दोनों तरफ आपको इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो बेटा ए तो एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, तो ए तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट एज इट इज, उसके साथ एक्स स्क्वायर वाला टर्म है तो उसका 2x हो गया, ठीक है। अब करना है एक्स के रिस्पेक्ट में है तो पहले पावर वाला फंक्शन कर दिया, पावर वाला फंक्शन क्या है, एक्स की पावर 2, एक्सपोनेंशियल फंक्शन x की पावर 2, तो यहाँ पर n x की पावर n माइनस 1 लगाते हैं, यानी कि 2 x की पावर 2 माइनस 1, तो पहले तो मैंने इसको पावर वाले फंक्शन को करा, अब अंदर क्या बचा, नीचे क्या बचा, x, तो x को भी तो डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो गया dx by dx, इसको लिखा नहीं जाता क्योंकि dx by dx वैसे ही 1 हो जाएगा, तो इसको लिखते नहीं है, फिर भी पहला क्वेश्चन है तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, प्लस 2 और h ये दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं, x और y वेरिएबल टर्म्स होते हैं, तो अब x और y ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले x एज इट इज और y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, यानी कि dy / dx, प्लस अब y एज इट इज और x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, यानी कि dx / dx, समझ गए, पहले ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पहले x एज इट इज और फिर dy / dx, फिर y एज इट इज और dx / dx, ठीक, प्लस b तो कांस्टेंट है तो b एज इट इज रहा, लेकिन y स्क्वायर तो वेरिएबल वाला टर्म है, तो y स्क्वायर को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले तो हो जाएगा 2y, और 2y कैसे हुआ, क्योंकि जैसे x स्क्वायर का 2x हुआ ऐसे y स्क्वायर का 2y हो गया, फिर y भी तो है तो y को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy / dx इज इक्वल टू c स्क्वायर, एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट जब अकेला लिखा होता है तो उसका डिफरेंशियल जीरो हो जाता है, ये जीरो हो गया, यहाँ तक समझ गए, ठीक है, दोनों को क्लियर है, चलिए आगे चलता हूँ। अब इसके बाद देखिएगा, ये तो हो गया 2ax
और dx by dx तो cancel out होकर 1 हो गया, plus 2h x dy by dx plus y, dx से dx cancel out हो गया तो 1 हो गया, खत्म हुआ, plus 2 dy into dy by dx is equal to 0. फिर expand के लिए 2ax plus 2hx dy by dx plus 2h into y, तो 2hy plus 2dy dy by dx is equal to 0. तो यहाँ पर देखिए dy by dx वाली दो टर्म्स है, एक टर्म तो ये और एक टर्म ये, 2hx into dy by dx, 2dy into dy by dx, ये दो टर्म्स है. तो क्या करेंगे आप, इन दो टर्म्स में dy by dx ले लेंगे कॉमन, मैंने dy by dx ले लिया कॉमन, यहाँ क्या बचा 2hx और यहाँ क्या बचा 2dy. hx plus 2dy, ठीक है. और ये जो 2ax है, ये जो 2ax है, ये वाला टर्म 2ax वाला और 2hy वाला, इन दोनों टर्म्स को राइट हैंड साइड ले जाओ. तो राइट हैंड साइड ले जाएंगे, ये क्या हो गया माइनस 2ax और माइनस 2hy, माइनस 2ax माइनस 2hy, ये हो गया. अब क्या करना है, अब आप ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है 2hx और 2by, इसमें से आप 2 कॉमन निकाल सकते हैं. तो dy by dx into 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा hx plus by is equal to minus 2 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा ax plus hy, ये हो गया. ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, दोबारा लिख देता हूँ. माइनस टू कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा ए एक्स प्लस एच वाई, ये हो गया. अब टू से टू कैंसिल आउट हो गया, ये एच एक्स प्लस बी वाई डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए एक्स प्लस एच वाई अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई. तो ये तो हो गया डीवाई बाई डी एक्स, ठीक है. अब इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर टू, ठीक. अब वापस इक्वेशन नंबर वन लिखेंगे और अब निकालेंगे डी एक्स बाई डी वाई, ठीक है. ये वाला पोर्शन मिटा दो, ठीक है, ये मिटा रहा हूँ. अब देखिएगा यहां पर इक्वेशन वन दोबारा से लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर. डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू वाई. अब दोनों तरफ वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए. तो बेटा ए तो एज इट इज एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 2x, ठीक है. तो 2x हो गया, लेकिन अब x को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे, तो फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे लेकिन y के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा dx by dy, dx by dy, क्योंकि अब x को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं. चलिए प्लस 2h. अब सबसे पहले x as it is, x as it is और y को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy by dy, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो डिनोमिनेटर में dy आएगा, तो dy by dy प्लस फिर y as it is और x को डिफरेंशिएट करेंगे तो dx by dy,
मेरी बात समझ में आ रही है दोनों को? बता दो। ठीक है, चलो ओके। उसके बाद देखिएगा फिर है प्लस बी वाई स्क्वायर, तो बी एज इट इज वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल हो गया टू वाई, फिर वाई को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तो कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट जब अकेला होता है तो उसका डिफरेंशियल हो जाता है जीरो। अब इधर देखिए ये हो गया टू ए एक्स इन टू डी एक्स बाई डी वाई प्लस, जब इसको एक्सपेंड करेंगे, अच्छा डी वाई से डी वाई यहाँ पर कट गया, इधर भी डी वाई से डी वाई कट गया, तो इधर केवल एक्स बचा, तो टू एच एक्स, फिर टू एच को जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस टू एच वाई डी एक्स बाई डी वाई, और फिर ये क्या हो जाएगा प्लस टू डी वाई इज इक्वल टू जीरो, ये हो गया। अब ये वाले टर्म में डी एक्स बाई डी वाई है, ये वाले टर्म में डी एक्स बाई डी वाई है, तो डी एक्स बाई डी वाई कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। और एक काम करो, दोनों में टू भी आ रहा है, टू भी ले लो कॉमन, तो टू डी एक्स बाई डी वाई कॉमन ले लिया, तो टू डी एक्स बाई डी वाई कॉमन ले लिया, क्या बचा ब्रैकेट में ए एक्स, और इधर क्या बचा प्लस एच वाई, ठीक है, और टू एच एक्स और टू डी वाई इन दोनों को राइट हैंड साइड में ले जाओ, तो टू एच एक्स माइनस टू एच एक्स और माइनस टू डी वाई, इसको मैं राइट हैंड साइड ले गया। अब क्या होगा, अब आगे का इधर कर रहा हूँ मैं, या इस तरफ कर रहा हूँ, इस तरफ, तो टू डी एक्स बाई डी वाई और ब्रैकेट में क्या है ए एक्स प्लस एच वाई, x plus hy is equal to इन दोनों में से माइनस टू कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बेटा एच एक्स प्लस बी वाई, तो अब टू से टू कैंसिल आउट हो गया, तो डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू क्या होगी, ये डी एक्स बाई डी वाई में ए एक्स प्लस एच वाई मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाकर ये डिवाइड में चला जाएगा, तो डी एक्स बाई डी वाई क्या बन जाएगा माइनस का एच एक्स प्लस बी वाई अपॉन ई एक्स प्लस एच वाई डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ए एक्स प्लस एच वाई, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर थ्री, ठीक है। तो मुझे डी वाई बाई डी एक्स और डी एक्स बाई डी वाई इन दोनों की जरूरत थी, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्रूव करना है कि बन के इक्वल आएगा, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन टू एंड थ्री, सेकेंड को और थर्ड को मल्टीप्लाई कर दो, तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया माइनस ए एक्स प्लस एच वाई अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई मल्टीप्लाई बाई डी एक्स बाई डी वाई क्या होगा माइनस एच एक्स प्लस बी वाई माइनस एच एक्स प्लस बी वाई अपॉन ए एक्स प्लस एच वाई, ए एक्स प्लस एच वाई से ए एक्स प्लस एच वाई कट गया, एच एक्स प्लस बी वाई से एच एक्स प्लस बी वाई कट गया, तो इधर क्या बचा माइनस वन, बीच में डॉट का मतलब क्या मल्टीप्लीकेशन, इधर क्या बचा माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन, प्रूफ यही चीज हमको प्रूव करनी थी, समझ गए? ठीक है, चलिए जी अब एग्जांपल नंबर टू देखते हैं इसका। एग्जांपल नंबर टू में इक्वेशन क्या दे रखी है, x इंटू अंडर रूट वन प्लस वाई, x इंटू अंडर रूट वन प्लस वाई प्लस वाई इंटू अंडर रूट वन प्लस एक्स, y इंटू अंडर रूट वन प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये दे रखा है। अब वो बोल रहे हैं कि x जो है वो y के इक्वल नहीं है, प्रूव दैट टू प्रूव dy by dx, टू प्रूव dy by dx इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये चीज प्रूव करनी है। तो अब एक चीज जो है ना वो मैं आपको सीधा सीधा समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी कभी हमारे पास अंडर रूट वाली टर्म आए तो अंडर रूट वाली टर्म का
जो स्क्वायर रूट है वो सॉरी जो डिफरेंशियल है वो होता है 1/2 √x। अगर रूट एक्स है तो उसका डिफरेंशियल होता है 1/2 √x। इसको आप सीधे सीधे ना याद रख लीजिए। और ये हुआ वही है x की पावर n वाले फंडे से ही हुआ है। तो दो चीजें याद रखना, एक तो अगर रूट एक्स है तो रूट एक्स क्या है बेटा, एक्स की पावर 1/2, और जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो वो क्या बन जाएगा 1/2 एक्स की पावर 1/2 -1। मतलब क्या हो गया, n x की पावर n माइनस वन, तो 1/2 x की पावर 1/2 -1 कितना हो गया, -1/2। अब ये -1/2 अगर नीचे आ गया तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 x की पावर +1/2। x की पावर अगर पॉजिटिव में 1/2 है तो वो रूट एक्स कहलाता है। तो ये कुल मिलाकर 1/2 √x बन गया। मतलब अगर रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो कुल मिलाकर 1/2 √x बन जाएगा। तो ये याद रहेगा आपको कि अंडर रूट एक्स अगर आएगा तो उसका डिफरेंशियल सीधा आप लिखेंगे, ये लंबा प्रोसीजर नहीं अपनाना, रूट एक्स का डिफरेंशियल सीधा 1/2 √x। क्लियर है? ठीक है। अब और इसी तरीके से एक चीज और नोट करेंगे कि अगर मेरे पास 1/x है, मान लीजिए 1/x है, तो 1/x का मतलब क्या हो गया, x की पावर -1। तो इसका डिफरेंशियल भी सीधे सीधे कैसे निकलेगा, -1 x की पावर -1 -1, वही n x की पावर n-1। तो ये क्या हो गया, -1 इंटू x की पावर -2। x की पावर -2 डिनोमिनेटर में जाकर क्या बन जाएगा, x की पावर 2। तो 1/x का भी सीधे याद रखिए -1/x² होता है। तो ये दो डिफरेंशियल आपको सीधे सीधे याद रखने। अब जो भी हमें इक्वेशन दे रखी होती है उसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। इक्वेशन 1 दोबारा लिखिए, x into √1 + y + y into √1 + x is equal to 0। इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा वो पूछ रहे हैं dy by dx आपको प्रूव करना है -1/(1+x)2, आपको ये चीज़ प्रूव करनी है। ठीक है, तो dy by dx से हम क्या समझ गए कि भाई हमको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो लिखिएगा डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो भाई ये वाला जो टर्म है इसमें भी तो दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, तो क्या करेंगे, पहले x एज इट इज इनटू d/dx ऑफ √1 + y, ठीक है, प्लस √1 + y एज इट इज, √1 + y एज इट इज इनटू d/dx ऑफ x, मतलब dx/dx। तो ये तो प्रोडक्ट रूल लगा इस पहले वाले टर्म में। फिर अगले वाला जो टर्म है y into √1 + x, इसका क्या करें, ये मिटा रहा हूँ सीधा, ये इसी एक लाइन में कर रहे हैं इसको, तो प्लस फिर क्या हुआ, y as it is into d/dx of √1 + x plus √1 + x as it is √1 + x as it is, और अब y का differential करेंगे तो x के respect में dy/dx और is equal to 0 है, तो 0 तो एक constant है, constant का differential भी 0 ही होगा, तो is equal to ये 0 ही रहा। दिखाई दे रहा है ना दोनों को ये पूरा? हाँ जी बोलो। तो मैं ये कह रही हूँ कि तो जैसे हमने इसको एक इतना लंबा किया है, तो मैंने जैसे किया है तो वो मैंने ऐसे सॉल्व किया कि मैं पाई को उस तरफ दूसरी साइड ले गई माइनस में, और दोनों को फिर स्क्वायर करके रूट हटा दिए। वो भी ठीक है तरीका, वो भी तरीका ठीक है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे कर लो। ठीक है, अब इस वाले से करके देख लेते हैं एक बार, क्यों बताओ, चलूं आगे?
ठीक है, एक बार इस वाले से भी देख लेते हैं। देखिएगा यहां पर x तो एज इट इज रहा, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टू रूट x है ना, तो 1 अपॉन टू रूट 1 प्लस y, x एज इट इज, और इसका हो जाएगा 1 अपॉन टू रूट 1 प्लस y, ठीक है। और फिर 1 प्लस y को फर्दर डिफरेंशिएट करना होगा, क्योंकि ये तो मैंने रूट को डिफरेंशिएट करा, 1 अपॉन टू रूट x हो गया। अब 1 अंडर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस y, तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का डिफरेंशियल 0 और y का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में dy / dx, ये हो गया, ठीक है। फिर इसकी बात करते हैं, तो ये बचा केवल अंडर रूट 1 प्लस y, ये केवल ये बचता है, ब्रैकेट क्लोज करो जरा ये वाला, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं y into d by dx of under root 1 plus x, तो plus y as it is, और जब अंडर रूट 1 प्लस एक्स का डिफरेंशियल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टू रूट 1 प्लस एक्स, फिर 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 और x को करेंगे तो dx by dx, यानी कि 1, मैं लिख रहा हूँ यहाँ dx by dx ताकि समझने में दिक्कत ना हो, फिर अंडर रूट 1 प्लस एक्स एज इट इज, अंडर रूट 1 प्लस एक्स एज इट इज और dy by dx is equal to 0, ठीक है जी। अब जरा सिंपलीफाई करते हैं, 0 plus dy by dx मतलब सिर्फ dy by dx, अच्छा, और ये क्या हो गया, x upon 2 root 1 plus y into dy by dx, ये वाली टर्म हो गई, plus under root 1 plus y, ये वाली टर्म। अब यहाँ dx by dx कैंसिल आउट हो गया तो केवल 1 बचा, तो ये तो केवल 1 हो गया, ये क्या हो गया, प्लस y अपॉन टू रूट 1 प्लस x और प्लस अंडर रूट 1 प्लस x dy by dx is equal to 0, ठीक है जी। यहाँ तक समझ गए दोनों बच्चे, बोलो, ठीक है। अब देखिएगा इस वाली टर्म में dy by dx है, इस वाली टर्म में dy by dx है, तो dy by dx कॉमन ले लो बस, dy by dx ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचा, x upon 2 root 1 plus y, ठीक है, और इधर क्या बचा, under root 1 plus x, चलिए जी आगे चलते हैं। फिर ये जो दो टर्म्स हैं इनमें dy by dx नहीं है, इनको राइट हैंड साइड में ले जाओ, तो अंडर रूट 1 प्लस वाई विद माइनस साइन, माइनस वाई अपॉन टू रूट 1 प्लस एक्स, ये हो गया। इधर ले लीजिए एलसीएम, तो डीवाई बाई डी एक्स, जब एलसीएम लेंगे तो एक्स, ये टर्म पूरा का पूरा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स प्लस टू रूट 1 प्लस एक्स इंटू रूट 1 प्लस वाई अपॉन में टू अंडर रूट 1 प्लस वाई, राइट हैंड साइड में इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, माइनस तो ले लिया बाहर, और जब एलसीएम लेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टू रूट 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, और माइनस साइन कॉमन ले चुका हूं तो प्लस ही आएगा बस बीच में, प्लस वाई, केवल वाई, और अपॉन में टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब देखना, अब आगे क्या करते हैं, इधर भी डिनोमिनेटर में 2 है, इधर भी डिनोमिनेटर में 2 है, कैंसिल आउट हो गया। अब ये पूरा टर्म यहाँ डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो dy by dx क्या हो गया, माइनस तो कॉमन है ही, माइनस तो कॉमन है ही, या एक काम करो सुनो, पहले तो ये मिटाता हूँ इधर, इसकी अब जरूरत नहीं है,
डी वाई बाई डी एक्स तो लेफ्ट हैंड साइड में छोड़िए, और ये जो डिनोमिनेटर है ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो न्यूमरेटर है ये इधर चला जाएगा। तो सीधा लिखिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में टू इंटू रूट वन प्लस एक्स इंटू रूट वन प्लस वाई प्लस वाई, ठीक है। और ये डिनोमिनेटर वाला टर्म इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब रूट वन प्लस वाई ये मल्टीप्लाई हो गया, ये तो इधर आ गया। ऐसे ये वाला जो टर्म है ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये क्या होगा, एक्स प्लस टू रूट वन प्लस एक्स टू रूट वन प्लस वाई, और ये इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट वन प्लस एक्स। ठीक है, अब क्या करें, भाई अब एक्सपेंड करना पड़ेगा, एक्सपेंड कर पड़ेगा, थोड़ा बड़ा हो गया इसमें तुमसे, और रूट वाली टर्म बहुत आ रही। और इन्होंने क्या करा है, इन्होंने वो दूसरी तरफ ले जाकर और फिर वही स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके करा। एक काम करो, ये वाला मेथड रहने तो बहुत लंबा पड़ रहा है, ठीक है हो तो जाएगा लेकिन लंबा पड़ रहा है, इस वाले मेथड को रहने तो स्क्वायरिंग करके देख लेना एक बार, ठीक है। हाँ इतना ही कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ उसको मैं, और इसको इस मेथड से मत करना, स्क्वायरिंग करके कर लेना, ये मेथड लंबा है वो वाला ठीक है, इसमें इन्होंने सॉल्यूशन में दे रखा है। बहुत अच्छा, इस तरीके से दूसरे वाले तरीके से करवाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, आज रहना तो बस, आज इतना ही करवा, ठीक है ना। हाँ ठीक है, आज इतना ही रहने दीजिए, बाकी अगली क्लास में देखते हैं। बाकी कल जो क्लास होगी ना आपकी रेगुलर, उसमें जरूर आना शाम को, ठीक है। ओके जी, ओके ओके।